नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। शेयर बाजार हरे निशान में सेंसेक्स 139 अंक की तेजी के साथ खुला। बीते 24 घंटे में देश में 13,451 नए मामले आए सामने, 585 मरीजों की हुई मौत। भारतीय मूल की अनीता आनंद होगी अब कनाडा की नई रक्षा मंत्री। महाराष्ट्र के 3 करोड़ लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज। टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की लगातार दूसरी जीत, न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया। जिला परिषद उपाध्यक्ष व सभापति चुनाव रद्द, कलेक्टर ने सरकार को मांगी मार्गदर्शन। मादक पदार्थ बेचने व सेवन करने वाले 66 आरोपी गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच पुलिस की कार्यवाही। राशन के अनाज की तस्करी करने वाला चालक और कंडक्टर गिरफ्तार, तहसील पुलिस की कार्यवाही। सावनेर में एसीबी ने की कार्रवाई, सहायक प्रशासन अधिकारी से 5,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। होर्डिंग्स पर विज्ञापन शुल्क वसूलने को चुनौती, एससी ने राज्य सरकार को मनपा से मांगा जवाब। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।